हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्वनी जैन, साइंस टीचर, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर से आज आपके समक्ष विज्ञान विषय में रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, पिछली कक्षा में सेवेंथ क्लास में साइंस में हमने थर्ड यूनिट में अम्ल और क्षारक के बारे में कुछ पढ़ा है। हमने वहाँ पढ़ा था कि भोजन का खट्टा स्वाद अम्ल के कारण होता है, जबकि भोजन का कड़वा स्वाद क्षारक के कारण होता है। यानी जो भी हमें भोजन में खट्टा या कड़वा लगता है उसके पीछे अम्ल या क्षारक होते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन अपने भोजन में नींबू का, सिरके का, इनका, कच्चे आम का, इमली का, इनका प्रयोग करते हैं, तो उनके अंदर जो खट्टापन होता है वो अम्ल के कारण होता है। ऐसे ही भोजन के अंदर जो कड़वा स्वाद होता है वो क्षारक के कारण होता है। तो हमने जाना कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। बच्चों, आपने कॉमन सी एक बहुत समस्या देखी होगी या स्वयं महसूस किया होगा या किसी रिश्तेदार को कहते हुए सुना होगा कि पेट में बहुत एसिडिटी हो रही है या अम्लता हो रही है। तो अत्यधिक भोजन करने के पश्चात अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? यदि आपसे पूछा जाए कि उसको एसिडिटी है और आप उसको कोई उपचार बताएं, तो आप क्या उपचार बताएंगे? क्या आप उसे नींबू का पानी लेने के लिए कहेंगे, या आप उसे सिरका लेने के लिए कहेंगे, या आप उसे बेकिंग सोडे का विलयन लेने के लिए कहेंगे? सोचो और बताओ। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ। नींबू का पानी खट्टा होता है यानी कि वो अम्ल है। सिरके का स्वाद खट्टा होता है यानी वो भी क्या है, अम्ल है। तो यदि हम अम्लता होने पर उसको नींबू का पानी या सिरका लेने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से अम्लता और बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा बेकिंग सोडे का विलयन, जो कि क्षारीय होता है और स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि एसिडिटी होने पर जब आप इनो का पाउडर लेते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, बेकिंग सोडा एक कंपोनेंट के रूप में होता है। तो आपने जाना अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि बिना स्वाद जखे खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच कैसे की जाती है। खट्टे का मतलब अम्ल से है और कड़वे का अर्थ क्षारक से है। तो यानी हम अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे करें, क्योंकि अम्ल और क्षारक केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, इन्हें हम चख नहीं सकते। तो बिना चखे हम इनके बिना स्वाद से हम इनका पता कैसे लगाएं कि दिया गया कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का। तो खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनको हम सूचक कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हम जान चुके हैं कि हम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, सूचक जो हमें किसी बात की सूचना दे। इस बात की कि दिया गया कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षार, इस बात की सूचना हमें सूचक से पता लगती है। अब ये लिटमस क्या होता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है और हम इसका प्रयोग सूचक की तरह करते हैं। लिटमस विलयन को जब हम पौधे से प्राप्त करते हैं तब यह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है, और उस समय इसका रंग बैंगनी होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिनिया, पिटूनिया, जेरेनियम, ये फूल होते हैं, इनके पंखुड़ियां भी किसी न किसी रूप में अम्ल और क्षारकों की उपस्थिति की सूचना देती है, यानी सूचक का कार्य करती है। इसी प्रकार से बच्चों, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है और मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, ये सब क्या है, संश्लेषित सूचक होते हैं। आइए अब मैं आपको लिटमस, हल्दी और फिनोल्फथलीन के द्वारा अम्ल और क्षारों की पहचान करना सिखाता हूं। बच्चों, ये है हमारे पास नीला लिटमस पेपर, ये नीला लिटमस पेपर है, आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे पास ये होता है लाल लिटमस पेपर। इसको कैसे बनाया जाता है? जब लिटमस को
जो आपको बताया, जब लिटमस को हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर अवशोषित करा देते हैं, तब ये बन जाते हैं लिटमस पत्र, और इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो आइए हम लिटमस पेपर की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान करना सीखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक नीला लिटमस पत्र है और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। जब हम इस अम्ल को नीले लिटमस पर डालते हैं तो आप देख सकते हैं इसने इसका रंग लाल कर दिया, तो हमें पता लगता है कि अम्ल लिटमस के साथ अभिक्रिया करके नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीला लिटमस यदि लाल हो जाए तो वो पदार्थ की अम्लीय प्रकृति को बताता है। ठीक इसी प्रकार मेरे पास ये क्या है, एक लाल लिटमस है और आप देख सकते हैं कि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये लाल लिटमस है, जब हम इसे NaOH जो कि एक क्षारक होता है उसके संपर्क में लाए तो ये अपना रंग परिवर्तन कर देगा। आपने देखा लाल लिटमस क्षारक के संपर्क में आकर नीला हो जाता है, तो इस प्रकार से हमें पता लगता है क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बच्चों हम रोज अपने भोजन में नींबू का प्रयोग करते हैं, नींबू के खट्टे स्वभाव से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या नींबू की प्रकृति अम्लीय होती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है और इसी साइट्रिक अम्ल के कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। तो आइए हम इस बात की जांच भी कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर साइट्रिक अम्ल उपस्थित है। आप देख रहे हैं ये नीला लिटमस पेपर है, जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं नींबू का रस डालते हैं तो ये इसको क्या कर देता है, लाल कर देता है। इस प्रयोग से हमें ये पता लगा कि नींबू का जो खट्टा स्वाद है वो किसी अम्ल के कारण है, क्योंकि उसी अम्ल ने इस नीले लिटमस को क्या कर दिया है, लाल कर दिया है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने लिखा है कि मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन ये संश्लेषित सूचक हैं। संश्लेषित का मतलब है इन्हें केमिकल्स के द्वारा, रासायन के द्वारा बनाया गया है, जबकि लिटमस आप देख रहे हैं एक पौधे से प्राप्त होता है, यानी ये एक प्राकृतिक सूचक है। आइए हम फिनोफ्थलीन की सहायता से भी अम्ल और क्षार को पहचान करते हैं। मैंने बच्चों इन टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, एक में अम्ल लिया है और एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक क्षारीय विलयन लिया है। ये मेरे पास एक फिनोफ्थलीन सूचक है जो कि एक संश्लेषित सूचक होता है। फिनोफ्थलीन सूचक अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता है, जबकि क्षारीय माध्यम में वो क्या होता है, क्षार की उपस्थिति में आने पर गुलाबी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि क्षार की उपस्थिति में आते ही सार फिनोफ्थलीन गुलाबी हो गया, जबकि इस टेस्ट ट्यूब में अम्ल है, अम्ल के संपर्क में आकर इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से फिनोफ्थलीन की सहायता से भी हम अम्ल और क्षार की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब कभी कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है और हम उस स्पॉट को, उस धब्बे को धोने के लिए उस पर डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं, तो आपने क्या अनुभव किया? जी हाँ, आपने देखा होगा कि वहां पर वह हल्दी का धब्बा लाल भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारीय माध्यम में क्या कर देती है, पदार्थ का रंग लाल भूरा कर देती है। आइए हम इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास एक हल्दी लगा हुआ सफेद कपड़ा है, जब हम इसके ऊपर डिटर्जेंट साबुन का प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हल्दी का रंग जो पीला था वो लाल हो गया। तो क्यों हुआ बच्चों, ये सोचो क्यों हुआ? क्योंकि साबुन के अंदर क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। जब साबुन का निर्माण होता है तो उसके अंदर क्षारक मिलाए जाते हैं और ये क्षारक हल्दी के साथ, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है, उसके साथ अपना रंग बदल देती है। इसी कारण से हल्दी का वह पीला धब्बा लाल हो गया।
तो बच्चों आपने क्या सीखा कि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, और मेथिल ऑरेंज फिनोफ्थलीन आदि क्या है, संश्लेषित सूचक है। अब हमारे पास एक प्रश्न है, आप या आपकी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है, आपको तीन परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? बच्चों आइए हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि प्रश्न में बताया गया है कि हमारे पास तीन परख नली हैं ए बी और सी, और इन तीनों परख नलियों में से किसी एक परख नली में हमें नहीं पता है, किसी एक परख नली में आसुत जल है, किसी एक परख नली में क्षारीय विलयन है और किसी एक परख नली में अम्लीय विलयन है, और हमें सिर्फ एक लाल लिटमस पेपर दिया गया है और उसकी सहायता से ही हमें इन तीनों परख नलियों में लिए गए पदार्थों की प्रकृति के बारे में बताना है कि इनमें से किस परख नली में अम्लीय, किस परख नली में क्षारीय और किस परख नली में आसुत जल यानी उदासीन द्रव उपस्थित है। तो आइए बच्चों हम इसको देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस लाल लिटमस पेपर को वन बाई वन सबके अंदर डिप करते हैं। मान लीजिए हमने इसको सी परख नली में डिप किया, किसी में भी कर सकते हैं, तो सी परख नली में डिप करने पर हमें क्या पता लगा कि इस लाल लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है, और जैसा कि आप अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि लाल लिटमस पेपर को नीला वो ही कर सकता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होगी, तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि परख नली सी में लिया गया पदार्थ एक क्षारीय प्रकृति का है। अब प्रश्न उठता है कि इस ए और बी में से कौन सी परख नली में अम्लीय पदार्थ है और कौन सी परख नली में क्षारीय को उदासीन यानी आसुत द्रव उपस्थित है। हम इस नीले लिटमस पेपर को जो लाल था लेकिन अब नीला बन चुका, इसी को इन दोनों में हम डिप करके देखेंगे, जिसमें इसके रंग पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो तो आसुत द्रव है, और जिसमें डिप करने पर ये नीला फिर से लाल हो जाए वो क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि अम्लीय प्रकृति का विलयन ही नीले लिटमस को लाल कर सकता है। अब हम इस लिटमस पेपर को इन दोनों परख नलियों में लिए गए द्रवों में डुबोते हैं। जब हम इसको बी परख नली में डुबोते हैं तो हम देखते हैं इसके नीले रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम इसको डुबोते हैं ए टेस्ट ट्यूब में, हम क्या देखते हैं कि इसका नीला रंग लाल हो गया, और अभी आपने जाना था नीले लिटमस को लाल कौन कर सकता है, जो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब परख नली सी में लिटमस पेपर को डुबाया गया तो वह नीला हो गया, इसका मतलब यह एक क्षारीय पदार्थ है। जब ए परख नली में उस नीले हुए लिटमस को डुबाया गया तो वह उसे पुनः लाल कर देता है, यानी इसमें लिया गया द्रव एक अम्लीय प्रकृति का द्रव है, और बी परख नली में उस लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसमें लिया गया द्रव क्या है, आसुत द्रव है। अब बच्चों हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों की, हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक के द्वारा। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों के हम नमूने लेंगे। इन नमूनों को हमें एकत्रित करना है। अब इन सभी नमूनों के अंदर, विलयनों के अंदर हमें एक एक बूंद वॉच ग्लास में लेनी है, और बारी बारी से हमें इनके अंदर क्या करना है, लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज विलयन को मिलाना है। उसके बाद होने वाले प्रेक्षण को हमें नोट करना है। तो आइए हम देखते हैं कि यदि प्रश्न के अनुसार हम ये सब करें तो हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो जैसे कि प्रश्न के अनुसार जब हम इन विलयनों को वॉच ग्लास में लेकर हम बारी बारी से इन सूचकों को उनमें डालेंगे तो उनके अंदर क्या परिवर्तन होगा, हम इसको देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल, जब नाइट्रिक अम्ल में हम लाल लिटमस डालेंगे तो लाल लिटमस चूंकि अम्लों के संपर्क में आने पर कोई परिवर्तन नहीं करता, इसलिए लाल लिटमस का नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आने पर उसका रंग लाल ही रहेगा। ठीक इसी प्रकार से
जब हम नीले लिटमस को नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नीला लिटमस अम्ल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये नीला लिटमस का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, लाल। हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। जब फिनोफ्थलीन सूचक को नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तो हमने पीछे देखा कि फिनोफ्थलीन सूचक अम्लों के संपर्क में आने पर कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, अतः यहाँ पर उसका रंग रंगहीन ही रहेगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। और जब हम मैथिल ऑरेंज सूचक को नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसका रंग पहले से गहरा हो जाता है और वो ऑरेंज से रेड यानी कि नारंगी से लाल रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये प्रेक्षण देखते हैं। क्योंकि बच्चों इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल ये सभी अम्ल हैं, अतः इन सबकी प्रकृति सेम होने के कारण, समान होने के कारण इनका इनके प्रति सेम व्यवहार रहेगा, समान व्यवहार रहेगा। अतः इन सब के संपर्क में आने पर लाल लिटमस का रंग लाल ही रहेगा, नीला लिटमस लाल हो जाएगा, फिनोफ्थलीन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जबकि मैथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कुछ क्षारकों के लिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है। जब इस क्षारक के संपर्क में हम लाल लिटमस लाएंगे तो हम जान चुके हैं कि लाल लिटमस क्षारक के संपर्क में आने पर नीला हो जाता है, अतः लाल लिटमस को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाने पर इसका रंग परिवर्तित होकर नीला हो जाएगा। जबकि नीला लिटमस क्षारों के प्रति अपने रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, नीला लिटमस सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आने पर नीला ही रहेगा। इसी प्रकार फिनोफ्थलीन जब किसी क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। और ऐसे ही मैथिल ऑरेंज क्षारकों के संपर्क में आने पर नारंगी रंग से पीले रंग का हो जाता है। तो हम पाएंगे कि किसी भी क्षारक के संपर्क में आने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, फिनोफ्थलीन जो रंगीन होता है वो गुलाबी हो जाएगा और मैथिल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है वह पीला हो जाएगा। तो यही सब इन सभी क्षारकों के लिए यही हम प्रेक्षण पाएंगे। अभी हमने जाना कि सूचक रंग में परिवर्तन के द्वारा यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक, यानी सूचक क्या करते हैं अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा हमें ये सूचना देते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारीय। ठीक जैसे अभी हमने रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचकों को पढ़ा, ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन न करके अम्लीय और क्षारीय माध्यम में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। जिस प्रकार से कुछ सूचक अपने रंग में परिवर्तन से हमें किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं, ठीक इसी प्रकार से कुछ पदार्थ अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। बच्चों इन गंधीय सूचकों का प्रयोग हम अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, देखने में असक्षम होते हैं, क्योंकि वो रंग को होने वाले परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो उनमें होने वाली गंध में परिवर्तन के द्वारा अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के एक टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। बच्चों हमें क्या करना है, एक प्याज के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एक साफ कपड़े में हम उसको लपेट देंगे और एक पॉलिथीन की शीट के अंदर उसको बांधकर एक पूरी रात के लिए फ्रिज में हम रख देंगे। उससे क्या होगा, प्याज की गंध कपड़े के अंदर अच्छी तरह से समा जाएगी। अब उस कपड़े के टुकड़े का प्रयोग ही हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की जांच के लिए करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस टुकड़े को स्वच्छ सतह पर रखकर उस पर हमें तनु HCl जो कि अम्ल होता है की कुछ बूंदे और दूसरे कपड़े के टुकड़े पर हमें क्या करना है, तनु NaCl की कुछ बूंदे डालनी है।
अब हमें क्या करना है, कपड़े के दोनों टुकड़ों को जल से धोकर हमें उनकी गंध की जांच करनी है। ये आप स्वयं करके देखेंगे कि आपने दोनों टुकड़ों में जो प्याज की गंध थी उसमें क्या परिवर्तन पाया। ठीक इसी प्रकार से जैसे प्याज का टुकड़ा गंधी सूचक का कार्य करता है, ऐसे ही वैनिला का जूस और लौंग का तेल भी गंधी सूचक का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने जाना गंधी सूचक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं, एक बर्फ नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें हम दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर हम क्या देखते हैं, आप क्या देखेंगे, एक गैस निकलती है। उस उत्सर्जित गैस को हम साबुन के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो साबुन के विलयन में तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं जो कि किसी गैस के निकलने की सूचना देते हैं। जब इस निकलती हुई गैस के ऊपर हम जलती हुई मोमबत्ती को लाते हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं कि वह गैस तेजी से जलने लगती है। आइए हम इसे एक प्रयोग के द्वारा करकर देखते हैं। बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, जिंक मेटल है। हमने प्रश्न के अनुसार इसमें क्या लिया, जिंक मेटल ली। और जब हम इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो इसमें तेजी से गैस निकलती है। और जब हम इस निकलने वाली गैस के ऊपर जलती हुई माचिस या मोमबत्ती लाते हैं तो वह तेजी से ध्वनि के साथ जलती है। इस प्रकार से हमें यह पता लगा कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस निकालते हैं। अब वो गैस कौन सी गैस है उसको देखते हैं हम। हमने क्या लिया, इसमें जिंक धातु का टुकड़ा लिया, जब उसके ऊपर हमने क्या मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया और निकलने वाली गैस को हमने जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती के संपर्क में लाए तो वो गैस तेजी से जलने लगती है। तो यहाँ हमें पता लगा कि कुछ सक्रिय धातुएं जैसे जिंक धातु, मैग्नीशियम धातु, आयरन, ये सब क्या करती हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है, वही गैस यहाँ पर तेजी से जलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अम्ल जब धातु के संपर्क में आता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक धातु जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक धातु इस सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देता है और वो हाइड्रोजन गैस उस पर्पनली से बाहर निकल आती है। और जब हम उसकी परीक्षण करते हैं तो वह जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आकर तेजी से जलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से क्षारक भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, परंतु सभी क्षारक धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया को नहीं करते। जिस प्रकार से कुछ सक्रिय धातुएं ही जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम आदि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को निकालती हैं, ठीक ऐसे ही क्षारक भी सभी धातुओं के साथ हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। अब करते हैं अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पेट में अम्लता बन जाती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, इनो या दूसरे प्रति अम्ल पदार्थों का प्रयोग करते हैं, एंटासिड्स का प्रयोग करते हैं जो हमारे पेट में बनने वाले अम्ल को क्या कर देते हैं, शांत कर देते हैं। वो प्रति अम्ल पदार्थ क्या होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं। तो हम यहाँ वही बात करेंगे कि जब एक अम्ल और क्षारक आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या प्रभाव होता है। तो आप क्या महसूस करते हैं, जब पेट में एसिडिटी बनती है और हम इनो जैसी औषधि का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कुछ समय पश्चात पेट में बनने वाली अम्लता शांत हो जाती है या पहले से कम हो जाती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अम्ल और क्षारक परस्पर आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं।
एक पर्क नली में लगभग 2 ml NaH विलयन का घोल लीजिए और उसमें 2 बूंद फिनोफ्थलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या हो जाता है? बच्चों जैसे आप जानते हैं कि NaOH एक क्षार है और जब क्षार के संपर्क में फिनोफ्थलीन आता है तो वह उसका रंग गुलाबी कर देता है, अतः विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। हमने एक पट नली में क्या लिया है? NaOH विलयन। अब जब हम इसमें फिनोफ्थलीन की 2 बूंदें डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। अब हम इसमें जब कुछ बूंदे HCl की मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसका रंग परिवर्तित हो जाता है और ये गुलाबी रंग फिर से क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। अब इसे मिलाने के बाद फिनोफ्थलीन का रंग क्यों बदल गया? बच्चों आप जानते हैं कि जब उसमें NaOH था तो उसका माध्यम क्षारीय था, लेकिन जब हमने इसमें अम्ल मिलाया अधिक मात्रा में तो अम्लीय माध्यम बन गया और अम्ल के संपर्क में आने पर फिनोफ्थलीन का कोई रंग नहीं होता। इसी कारण से उसका गुलाबी रंग वहां से गायब हो गया, यानी रंग में परिवर्तन हो गया। अब इस मिश्रण में हम पुनः NaOH की कुछ बूंदें मिलाते हैं और हम देखते हैं फिनोफ्थलीन का रंग फिर से गुलाबी हो जाता है। जब हम इस विलयन में फिर से कुछ बूंदें NaOH की मिलाते हैं तो आप देख पा रहे हैं इस विलयन का रंग फिर से क्या हो गया? गुलाबी हो गया, क्योंकि जो माध्यम अभी HCl मिलाने पर अम्लीय था वो NaOH के मिलाने के बाद फिर से क्षारीय हो जाता है, और चूंकि उसमें पहले से ही फिनोफ्थलीन उपस्थित था तो फिनोफ्थलीन ने सूचक होने के कारण माध्यम के परिवर्तन की सूचना हमें रंग परिवर्तन करके दे दी और फिनोफ्थलीन के कारण फिर से उसका रंग क्या हो गया? गुलाबी हो गया। तो बच्चों यहाँ हमने इस क्रियाकलाप के द्वारा जाना कि जब क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने इस अध्याय में क्या जाना कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का लिटमस के प्रति क्या व्यवहार होता है, ऐसे ही अम्ल और क्षार लिटमस के प्रति क्या व्यवहार करते हैं, और सूचकों में हमने पढ़ा कि जो कुछ सूचक अपने रंग में परिवर्तन करके हमें सूचना देते हैं जबकि कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो रंग में परिवर्तन न करके अपने गंध में परिवर्तन के द्वारा हमें किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की सूचना देते हैं। उसके बाद हमने जाना कि अम्ल और क्षार धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं, और अभी हमने जाना कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा।